फूडीज, आज आपके लिए पत्ता गोभी से बहुत ही जल्द बनने वाले और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकौड़ा की रेसिपी लाने वाली हूँ। बिना देरी किए चलिए जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कप जितने पत्ता गोभी को इस तरह से कट करके अच्छे पानी के साथ वॉश करके अब उसको एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया है। और उसके बाद दो मीडियम साइज़ की फाइनली चॉप की हुई प्याज को भी मैंने डाल लिया है। और उसके बाद एक हरी मिर्च को भी फाइनली चॉप करके डाल लिया है। उसके बाद थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिए को भी डाल दीजिए। और उसके बाद देखिए, एक बड़े चम्मच जितने चावल के आटे को भी इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें एक टीस्पून जितने लाल मिर्च पाउडर को डाल दीजिए। और उसके बाद आधा टीस्पून जितनी हल्दी को डाल दीजिए और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और उसके बाद आधा टीस्पून जितने गरम मसाला को भी डाल दीजिए। आप यहाँ पर डाले हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमने जो यहाँ पर प्याज डाली है, उस प्याज से मॉइस्चर, नमी बाहर निकलने तक हमें इसको इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करना होगा, जब तक कि हमारा मिक्सचर इस तरीके का ना बन जाए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक कप जितने बेसन को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन को डाल लेने के बाद फिर से हमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद देखिए, बस थोड़ा सा, मतलब दो बड़े चम्मच जितने पानी को मैंने इसमें डाल लिया है। ज़्यादा मत डाल दीजिए, क्योंकि बस इसमें बाइंडिंग लाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल रही हूँ। और उसके बाद देखिए, एक टीस्पून जितने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मैंने डाल लिया है। अब उसके बाद फिर से इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, एक बड़े चम्मच जितने गरम तेल को इसमें डाल दीजिए। तो डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा पकौड़े का मिक्सचर जो है वो बन के तैयार है। यहाँ पर उनको फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। और इस तरह से चेक कर लीजिए कि आपका तेल गर्म हुआ या नहीं। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। और उसके बाद जैसे हम पकौड़ा डालते हैं, उसी तरह से तेल में इस मिक्सचर को स्प्रेड कर दीजिए। और उसके बाद इसको दोनों तरफ फ्लिप करते हुए दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इनको फ्राई करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए और हमारे पकौड़ा बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी बन जाए, तब आप इनको साइड पेपर टॉवल में निकाल लीजिए। ये पकने में थोड़ा सा टाइम तो लेंगे, मतलब लगभग 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा आपको इसका कलर गोल्डन होकर क्रिस्पी बनने में। इस तरह से पकने के बाद अब इनको साइड में निकाल लीजिए। बस इतना ही। देखा ना आपने कितने सिंपली और बहुत ही मज़ेदार से कैबेज पकौड़ा को हमने बना लिया है। आप भी ज़रूर आपके शाम के नाश्ते में इसको बनाइए और मज़े करके खाइए, बहुत ही मज़ेदार होंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।